अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिएक्टिंग। मेरा नाम है तंजील और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रिएक्टिंग। सो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं विक्रांत गुप्ता की वीडियो पर, जो कि कल से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है बाबर आजम के साथ, जो कि इनकी एक शॉर्ट मीटिंग हुई है और उसमें बाबर आजम से उन्होंने क्या डिमांड किया, क्या रिक्वायर किया था, वो इसमें रिवील करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हम चलते हैं विक्रांत गुप्ता की वीडियो की तरफ। लेट्स चेक इट आउट। तो बाबर से आपकी क्या बात हुई? अरे कुछ बात नहीं, बाबर से मेरी एक मिनट जा रहे थे, आपने उनको रोका। एक मिनट की मुलाकात थी जब पाकिस्तान की नेट खत्म हो रहे थे, तो कई पाकिस्तानी प्लेयरों को मैं मिला, रिजवान मिले, सब मिले, शाहिन शाह अफरीदी मिले, लेकिन बाबर को मैंने रोका। मैंने बाबर से एक चीज मांगी, मैंने कहा, अचानक से मेरे माइंड में आया क्योंकि वो बैटिंग कर रहे थे आपसे, मैंने कह भी उनके ना बल्ले से आवाज ही अलग आ रही थी, अलग ही तरह की आवाज आ रही थी, यानी वाज वेरी फ्लुएंट। तो मैंने बाबर को ये कहा कि अच्छा, बाबर को लगा होगा शायद मैं इंटरव्यू मांगूंगा, तो मैंने उनको कहा मुझे एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा हाँ जी, मैं कहा मुझे बैट चाहिए, तो ऑटोग्राफ चाहिए, तो उनको लगा कि जैसे आप ऑटोग्राफ, मैंने कहा मुझे वो वाला नहीं, मुझे आपका मतलब बैट चाहिए एक, फैन है यार बाबर के, तो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो विलो मिल नहीं रही, मेरी जान मांग लेते हैं, देता मैं बैट नहीं दे सकता। नहीं, ग्रेनिकल्स का उनका बड़ा जबरदस्त बैट है, हालांकि ग्रेनिकल्स जो इंडिया में मैंने आपको बताया ही था, ग्रेनिकल्स जो इंडिया में फैक्ट्री है वो जलंधर में है, हमारे दोस्त नहीं कहूँगा, हमारे सीनियर हैं, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन एपेक्स काउंसिल में भी हैं, पंजाब से रणजी ट्रॉफी खेले हैं, अरविंद अबरोल जी हैं, तो उनसे पाजी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था आइए, क्या उन्होंने कहा मैं भेजूंगा नहीं तुझे बैट, आना पड़ेगा, उन्होंने कहा मैं बैट भेजूंगा नहीं, तुझे आना पड़ेगा फैक्ट्री, और मैं कुदरती जा नहीं पाया। अच्छा, परसों चौथी मुझे उनका मैसेज आया है कि विक्रांत तेरी विजिट अभी पेंडिंग है। तो वैसे तो बैट देखो हम किसी से मांगते हैं यार, बैट मिल जाते हैं, वी आर सो लकी, जतिन सरीन भाई हैं हमारे एसएसके, एसजी का बैट अगर चाहिए हो तो बैटों का तो यार मतलब तो बाबर दे रहे हैं, मैं प्लेयर से कभी नहीं बैट लिया, बट बड़ी बात है, बड़ी बात है। अब बाबर विराट से मांग लो बैट, किसी ने मांगा है आपने विराट? नहीं, मैंने इंडिया के कभी किसी प्लेयर से नहीं मांगा। ओह, पहले जमाने में कभी मांगा होगा क्योंकि आपने बोला जो इंडियन बैट्स जो खेलते हैं वो तो है ही हमारे पास, ग्रेनिकल्स ये बंदा ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। मे बी आई शुडंट हैव सेड दैट, आपको पता मैं भी हूं तो पगला ही, कभी भी कुछ भी बोल देता हूं, तो मैं खड़ा था, मैं उनसे विराट जा रहे हो आपको, बट बाबर की एक चीज, विराट भी सोचे इंटरव्यू मांग रहा है, नहीं इंटरव्यू नहीं चाहिए, बैट चाहिए। नहीं, विराट के पास तो बहुत सारे बैट्स होंगे, वो दे सकते हैं, उनके पास तो होंगे, तो मुझे पता भी हमें कौन से बैट होते हैं। हाँ, तो अब वो क्या होता है, कभी कभी जब टूर करते हो आप तो आप बहुत ज्यादा बैट्स लेके नहीं चलते, ऑब्वियसली अपने जरूरत के मुताबिक बैट लेके चलते हैं, चलते होंगे, तो बाबर से मैंने मांग तो लिया, अब देखिए दे देंगे तो दे देंगे, स्टोरी दे देंगे यार, बाबर दे देंगे, अब तो जितनी वायरल वीडियो है ना दे देंगे यार, बैट मिला तो नहीं, वो तो स्पोर्ट्स तक पे नहीं बनाओगे एक वीडियो। अच्छा, कि भाई अगर बैट आ गया, लालच आ गया बैट का, एक बैट का लालच, नहीं क्योंकि ना वो तो हमारे अपने मैच होते हैं ना स्पोर्ट्स तक वाले, आप देखते ही हैं। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो और देखे विक्रांत गुप्ता ने मतलब कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि यार मैं कभी किसी प्लेयर से बैट नहीं लेता, विराट कोहली का ये बंदा सिर्फ साथ पे जो एंकर है ना, ये कहीं ना कहीं इसको हाइपर करने की कोशिश कर रहा है विक्रांत गुप्ता सर को, तो लेकिन जो सा ना विक्रांत गुप्ता जो सा यार बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और मैंने जो वीडियोज देखे थे पुराने या वायरल जो से हो रहे थे उसमें कई में मैंने थंबनेल लिखा देख रहा था कि भाई उन्होंने बोला कि अपने बेटे के लिए बैट चाहिए मुझे, वो आपका बहुत बड़ा फैन है तो उसके लिए बैट दे दे मुझे, या एक मैंने देखा वीडियो उसके थंबनेल पर लिखा हुआ था कि बाबर आजम से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे अपनी शादी पर ज़रूर पाकिस्तान बुलाइएगा, तो इस तरह के सारे चल रहे थे। अब एक्चुअल में बात विक्रांत गुप्ता ने रिवील की कि भाई मैंने तो उससे सिर्फ बैट मांगा क्योंकि मुझे उसका बैट की जो सी आवाज़ जो बाकी दूसरे बल्लेबाजों के बैटों से निकली हुई आवाज़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रही थी, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक बैट दे दो, तो अगर दे देंगे तो ये यार ये मैटर नहीं करता, प्यार मैटर करता है कि देगा कि नहीं देगा, वो तो एक सेपरेट थिंग है, जैसे कि आपने खुद ही बोला कि वो इतने ज़्यादा बैट लेके नहीं घूमते सफ़र में, तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक बैट रखे होते हैं उन्होंने अपने पास। तो आई होप कि जितना भी वीडियो ये वायरल हो चुका है तो बाबर ये मेक श्योर करेगा किसी ना किसी तरह इनको एक बैट दे दूं। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि बाबर विक्रांत गुप्ता को बैट गिफ्ट करेंगे या नहीं अपने ऑटोग्राफ वाला, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।